नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं प्रिया एक बार फिर से हाजिर हूँ बेरोजगारों के लिए रोजगार सीरीज को लेकर। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह के रोजगारों के बारे में। केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल ने बिहार पुलिस चालक भर्ती, जो कि महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है, इनके लिए 1722 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल के साथ भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही शारीरिक पात्रता भी मांगी गई है, जिसकी जानकारी आप वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2019 तक सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 20 एवं अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी पुरुष वर्ग की उम्र सीमा में 2 वर्ष, ओबीसी एवं सामान्य वर्ग महिला 3 वर्ष, जबकि एससी एसटी महिला एवं पुरुष दोनों को 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट है। वहीं अगर हम वेतन और भत्ते की बात करें तो वेतनमान लेवल 3 के तहत 21,700 से 69,100 तक दी जा सकती है। वहीं अगर हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी अदर स्टेट्स वालों को 450 रूपए, जबकि एससी एसटी को 112 रूपए आवेदन शुल्क के तौर पर ऑनलाइन चुकाने होंगे। वहीं आवेदन 30 नवम्बर से आवेदन भरना प्रारंभ हो चुका है, जिसकी अंतिम तारीख 30 दिसम्बर है। कहाँ करें आवेदन? तो अभ्यर्थी केंद्रीय चयन पार्षद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। साथ ही इस संबंध में वहां से अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने प्रवर्तन उप निरीक्षक के पद पर भर्ती महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 212 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य होगा। साथ ही शारीरिक पात्रता भी है, जिसमें हाइट पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, जबकि महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट पुरुष के लिए 79 से 84 सेंटीमीटर, जबकि महिला के लिए आवश्यक नहीं है। और चलने में पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर और महिला को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की गई है। वहीं अगर हम वेतन और भत्ते की बात करें तो वेतनमान लेवल 6 के अनुसार 35,400 से 1,12,400 तक के बीच दी जाएगी। वहीं आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 700 रूपए, जबकि एससी एसटी अभ्यर्थी को 400 रूपए आवेदन शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 1 अगस्त 2019 तक सामान्य वर्ग कम से कम 21 एवं अधिकतम 42 वर्ष होना चाहिए। ओबीसी पुरुष वर्ग को उम्र सीमा में 2 वर्ष, ओबीसी एवं सामान्य वर्ग महिला को 3 वर्ष, जबकि एसटी एससी महिला एवं पुरुष दोनों को 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट है। वहीं अगर हम आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन 3 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2020 है। कहां करें आवेदन? तो अभ्यर्थी वेबसाइट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं इसके संबंध में वहां से अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सहायक लेखकार के लिए 93 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री, बीकॉम या बीबीए या अकाउंटेंसी में पीजी डिग्री का होना आवश्यक होगा। साथ ही हिंदी टाइपिंग स्पीड 4000 वर्ड प्रति घंटा होना जरूरी होगा। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2019 तक कम से कम 21 एवं अधिकतम 42 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। उत्तराखंड राज्य के ओबीसी अभ्यर्थी को 3 वर्ष, जबकि एसटी एससी अभ्यर्थी को 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट है। वहीं अगर हम वेतन एवं भत्ते की बात करें तो वेतन लेवल 5 7वें वेतनमान के अनुसार 29,200 से 92,300 के बीच होगा। वहीं आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एवं दूसरे राज्य वालों के लिए 300 रूपए, जबकि उत्तराखंड राज्य के एससी एसटी पीएच के अभ्यर्थियों को 150 रूपए आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से चुकाने होंगे। वहीं आवेदन तिथि, तो आवेदन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है एवं आवेदन भरने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर है। कहां करें आवेदन? तो आवेदक ऑनलाइन माध्यम से www.ssc.uk.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं एवं यहां से आवेदन के संबंध में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। IDBI बैंक ने विशेषज्ञ कैडर अधिकारी भर्ती के लिए 61 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हैं। एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए न्यूनतम 60% अंकों के साथ कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा, विज्ञान, मछली पालन, डेयरी टेक्नोलॉजी और पशुपालन में स्नातक डिग्री के साथ 4 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। संकाय व्यवहार विज्ञान, संगठनात्मक व्यवहार और मानव संसाधन प्रावधान के लिए मनोविज्ञान या प्रासंगिक व्यवहार विज्ञान में मास्टर्स एचआरएम में एमबीए के साथ ही 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉड एनालिस्ट के लिए 60% अंकों के साथ कॉमर्स बीकॉम में बैचलर डिग्री और 4 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन अन्वेषक के लिए 60% अंकों के साथ कॉमर्स बीकॉम में बैचलर डिग्री और 7 वर्ष का अनुभव। लेन देन निगरानी टीम हेड के लिए सीए एमबीए या फिर प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक में बैचलर डिग्री, साथ ही 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर
एवं फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉड एनालिस्ट के लिए 25 से 35 वर्ष, संकाय व्यवहार विज्ञान, संगठनात्मक व्यवहार और मानव संसाधन प्रबंधन एवं लेन देन निगरानी टीम हेड के लिए 35 से 45 और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन अन्वेषक के लिए 28 से 40 वर्ष की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थी को 3 वर्ष जबकि एससी एसटी अभ्यर्थी को 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी गई है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो जानकारी अभी उपलब्ध नहीं की गई है। वहीं आवेदन शुल्क तो जनरल ओबीसी वालों को 700 रुपए जबकि एससी एसटी अभ्यर्थी को 150 रुपए आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से चुकाने होंगे। आवेदन तिथि की अगर बात करें तो आवेदन 28 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है जिसकी अंतिम तारीख 12 दिसंबर है। कहां करें आवेदन तो इच्छुक अभ्यर्थी www.idbibank.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं एवं यहां से आवेदन से संबंध में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। श्री अरविंदो महाविद्यालय दिल्ली ने विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के पद के लिए 77 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम 55% अंक के साथ स्नातक कोर में उत्तीर्ण होने के साथ ही यूजीसी और सीएसआईआर द्वारा आयोजित एनईटी परीक्षा भी पास होना आवश्यक है। हालांकि पीएचडी किए उम्मीदवारों को नेट परीक्षा में छूट दी गई है। वहीं अगर हम वेतन और भत्ते की बात करें तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के शैक्षिक पे लेवल 10 के साथ शुरुआती पे लेवल 57,700 रुपए के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए मानी अन्य भत्ते दिए भी जाएंगे। वहीं अगर आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 500 रुपए जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी और महिला आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं आवेदन तिथि की बात करें तो आवेदन प्रारंभ हो चुका है जिसकी अंतिम तारीख 13 दिसंबर है। कहां करें आवेदन तो इच्छुक अभ्यर्थी www.colrec.du.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रचालन तकनीशियन और बॉयलर तकनीशियन के लिए 72 पदों पर रिक्तियां निकाली है। अगर इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री 60% अंकों के साथ जबकि एसटी एवं एससी के उम्मीदवारों को 50% अंक के साथ डिप्लोमा या डिग्री में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। वहीं अगर हम उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 जबकि अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। ओबीसी को 3 वर्ष एवं एससी एसटी को 5 वर्ष जबकि पीडब्ल्यूडी को 10 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो 40,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो 590 रुपए आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से चुकाने होंगे। एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भुगतान से छूट दी गई है। वहीं अगर हम आवेदन तारीख की बात करें तो आवेदन प्रारंभ हो चुका है एवं इसकी अंतिम तारीख 5 दिसंबर है। कहां करें आवेदन तो इच्छुक उम्मीदवार www.hindustanpetroleum.com वेबसाइट पर जाकर करियर अवसर पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं एवं और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। कटिहार इंडियन आर्मी ने सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एम्यूनेशन एग्जामिनर, सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंट एएमसी, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑल आर्म्स, सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए रिक्तियां निकाली हैं। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास कुल 45% से अधिक अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में 33% अंक होना आवश्यक है। सोल्जर टेक्निकल के लिए साइंस में टोटल 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश के साथ पास और हर सब्जेक्ट में 40% अंक होना अनिवार्य है। सोल्जर टेक नर्सिंग असिस्टेंट के साइंस में टोटल 50% मार्क्स के साथ इंटरमीडिएट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश के साथ पास और हर सब्जेक्ट में 40% अंक होना अनिवार्य है। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए प्रत्येक विषय में 50% अंक और 60% अंकों के साथ किसी भी स्ट्रीम कला वाणिज्य विज्ञान में 12वीं इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 10वीं उत्तीर्ण और प्रत्येक विषय में 33% अंक होना अनिवार्य होगा। लेकिन ध्यान रहे अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल जिले के स्थायी निवासी ही फॉर्म भरने के लिए पात्र हैं। अगर हम इन पदों की उम्र सीमा की बात करें तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 के बीच हुआ हो एवं अन्य पदों के लिए 1 अक्टूबर 1996 से 1 अप्रैल 2002 के बीच होना आवश्यक है। वहीं अगर हम आवेदन तारीख की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है जिसकी अंतिम तारीख 19 दिसंबर है। एडमिट कार्ड इसका 20 दिसंबर को आ जाएगा जबकि इसका रैली डेट 4 जनवरी से 16 जनवरी के बीच है कटिहार के गढ़वाल मैदान आर्मी कैंप में। कहां करें आवेदन तो www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, साथ ही इस संबंध में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।